हम सत्संग में उपस्थित होते हैं तो केवल हमारा शरीर ही उपस्थित नहीं होता है, हम कुछ भाव लेकर आते हैं और वो भाव होते हैं भक्ति वाले, वो भाव होते हैं जीवन को निखार देने के लिए, भाव होते हैं कि इस संसार में विचरण करते हुए ये कदम कहीं डगमगा जाते हैं, कहीं विश्वास लड़खड़ा जाते हैं, तो सत्संग में जाएंगे तो ये लड़खड़ाते हुए कदमों को मजबूती मिल जाएगी। और इस प्रकार से जो हवाएं दाएं बाएं से चलती हैं उनका असर जो कहीं पर होता है, तो इस प्रकार से जब गुरुमुखों महापुरुषों के साथ मिल बैठेंगे, एक दूसरे के दर्शन भी मिलेंगे और साथ ही साथ हमें महापुरुषों के ऐसे विश्वासी वचन श्रवण करने को मिल जाएंगे जिसके कारण उन हवाओं का असर नहीं ले पाएंगे और अपनी जगह के ऊपर उसी एकाग्रता अडोलता के साथ हम अपना अस्तित्व कायम रखेंगे। तो इस प्रकार से जो महापुरुषों के वचन श्रवण करने की जो चाहना रहती है भक्त की, तो वो कोई कान रस के लिहाज से नहीं है, क्योंकि कान रस के लिए तो बहुत बहुत माहिर पड़े हुए हैं जो एक ही बात को कितने सुंदर ढंग से कह सकते हैं और कितने कितने तरीकों से कह सकते हैं। तो उस प्रकार से भाव केवल कोई एक कान रस का नहीं होता है, भक्त के मन में भाव होता है सेवन करने का, यानी कि ऐसे वचन चाहे बहुत साधारण शब्दों में क्यों ना कहे जाएं, बहुत विद्वतापूर्वक कोई बहुत गहराई वाले ढंग से ना कहे गए हों, क्योंकि अक्सर कई कई दार्शनिक होते हैं और किस प्रकार से बात कहने में उनको महारत हासिल होती है, कई कई घंटे लंबे अरसे तक वो बहुत असरदायक ढंग से बात कह सकते हैं। तो चाहे उस प्रकार से ना भी कहे गए हुए वचन हो, बहुत सरल सादगी भरे शब्दों का इस्तेमाल क्यों ना किया गया हो, लेकिन बात तो बनती है तब जब इस प्रकार से उन वचनों को हम कमा लेते हैं, हम उसकी अहमियत का एहसास करते हैं और फिर उसको अपना लेते हैं।